अरे सर यहाँ पर हुआ क्या है? अरे भाई साहब यहाँ पर जो वो ये जो बंदा देख रहे हो जो मरा पड़ा है, यह बंदा है टेररिस्ट का और यहाँ पे सीक्रेट एजेंसी से पता चला है लॉस सैंटोस पर जो है वो कोई सीक्रेट हमला जो वो होने वाला है। यहाँ पर सीक्रेट एजेंसी के बात छोड़ो, मैं बोलता हूँ सुनो, यहाँ पर मुझे पता चला है अपने सीक्रेट सोर्स से कि ये लॉस सैंटोस पर जो है वो छुपा हुआ है वो आतंकवादी। चलो, अरे यार ये क्या है? अरे मैं गलती से आ गया हूँ। अरे पकड़ो उसे जल्दी से। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अरे पकड़ लो। अरे यार गाइस तुम लोगों ने देखा यार, हमारे घर के नीचे इतना बड़ा भाई साहब बंकर किसी ने बना लिया और हम लोगों ने भाई साहब आज देखा है। अरे गाइस यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर हमारे गार्डन पर ही जो वो कोई हिंट होगा। और गाइस हमारा गार्डन मतलब ये नहीं यार, हमारा गार्डन मतलब वो किसको बोलना चाहे भाई साहब, यहाँ पर मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन गार्डन मतलब तो यही होता है। अरे भाई तो भाई साहब लेकिन यहाँ पे कोई भी हिंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब वो कहना क्या चाहता था यार, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे 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 गाइस एक काम करो मेरे साथ आ जाओ भाई साहब यहाँ पे। अरे मुझे याद आया गार्डन मतलब हमारा तो भाई साहब एक और चीज है। अरे जल्दी आओ मेरे साथ। अरे फ्रैंकलिन क्या यार वो तो बता दे। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो जहाँ पे हम लोग टी पार्टी वगैरह कर वो भी तो एक गार्डन ही है ना। अरे गाइस तुम लोग भी ऊपर आ जाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन आते हैं। अरे यार गाइस देखो ये भी एक जो गार्डन ही है हमारा। भाई साहब कल वे कुछ मिला क्या? अरे चौप यार बहुत कुछ मिला है यार, यहाँ पे हम लोग नहीं थे तो यहाँ पर जो है वो टेररिस्ट ने आके यही पे हमारे घर के नीचे जो एक अंडरग्राउंड बंकर बना लिया है, लेकिन अभी वो सब बात करने का समय नहीं है। तो फिर चलो यार हम लोग कुछ ढूंढते सैंपल, यहाँ पे कुछ तो मिलेगा जरूर। अरे टेबल के पीछे कुछ है। अरे मुझे लगता है मुझे मिल गया। अरे एक मिनट, टट्टी, ये टट्टी क्या हिंट हो सकता है? अबे कलवे भाई साहब वो टट्टी कोई हिंट नहीं है बे, वो मेरे को पोटी आता तो मैंने ऊपर पैट के जब कर दिया बे। अरे चौप यार तेरी तो, यहाँ पे तेरे को पोटी करने के लिए किसने कहा यार? अरे इस कुत्ते को कोई मारो, पहले से दिमाग खराब है उसके, ऊपर से यहाँ पर जो ये सब कर रहा है। अरे गाइस मुझे टेंशन हो रहा है कि यहाँ पर शिनचैन जो वो कैसे हालत पड़े, देखा यार टेबर माइकल उसको कैसे करके गोली मारा। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैंने भी देखा। अरे यार नोबिता इस टाइम पे जरूरत था यहाँ पे डोरेमोन को, डोरेमोन का टाइम टेलीविजन से हम लोग देख सकते थे यार कि यहाँ पर जो वो कैसा कौन है और ऐसा कौन सा जगह है यार, लेकिन यहाँ पे कुछ एक मिनट ये क्या है यार? अरे माइकल, अरे टेबर जल्दी से आ। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन? अरे ये देखो ये तो हमने कभी भी जो खरीदा नहीं है। अरे फ्रैंकलिन लगता है यही वो हिंट है। अरे हाँ यार यही वो हिंट है, लेकिन ये है क्या? मुझे लगता है कि ये कोई रॉकेट टाइप का है ना। अरे नहीं फ्रैंकलिन। अरे तो फिर क्या यार? अरे फ्रैंकलिन मुझे लगता है कोई मिसाइल टाइप का है। मिसाइल टाइप का है? अच्छा तो फिर ये मिसाइल, अच्छा मैं समझ गया यार, यहाँ पे लॉस सैंटोस पे एक सैटेलाइट स्टेशन है ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन, जहाँ पर सभी सैटेलाइट भाई सब छोड़ा जाता है, हम लोग वही जगह पे चलते हैं, कुछ तो हिंट्स वहाँ पर भी मिलेगा, लगता है वो यहाँ पर ही बुलाना चाहते हैं हम लोगों को। तो फिर गाइस यहाँ पे एक बात सुन के जाओ, हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे लॉस सैंटोस की सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप से लड़ने के लिए, यहाँ पर हम तीनों में से किसी के भी जान जा सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी जाऊंगा। अरे नहीं यार नोबिता तू मत जा, क्योंकि तू ये बच्चा है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो फिर भाई साहब तेरे मॉम एंड डैड मेरे को नहीं छोड़ेगा। अबे भाई साहब मैं भी जाऊंगा यार, मैं भी शिनचैन का ही यहाँ पर हिस्सा हूँ बे। अरे चुप तू भी मत जा। अरे नहीं कलवे मैं भी जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे शिनचैन तो मेरा भी भाई है भाई साहब, मैं भी जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन हम लोग डरते हैं क्या किसी से? हाँ अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी नहीं डरता। वैसे तू तो बहुत डरपोक था। अरे हाँ डरपोक था, लेकिन जब बाप जो शिनचैन के ऊपर आता है तो फिर मैं डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि शिनचैन मुझसे छोटा है। अरे यार अगर हम लोग ऐसे टीम बना के रहे ना फिर गाइस देख लेना हम लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता, मैं लिख के देता हूँ लिख लो। अरे ठीक है फ्रैंकलिन तो फिर चलो। अरे एक काम करते हैं, हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हैं, तो फिर हम लोग तीनों यहाँ पर जो एक ही कपड़े पहनते हैं, तो फिर इट्स टाइम टू चेंज आवर ड्रेस। अरे ठीक है फ्रैंकलिन तो फिर ठीक है गाइस हम लोग तब तक ड्रेस चेंज करके आते हैं, आप लोग तब तक वीडियो को जो लाइक करके आओ। तो फिर चलो यार ड्रेस चेंज करते हैं।
लग रहे हो यार, बिल्कुल एकदम हीरो जैसा। देख के पता नहीं लग रहा है कि आप लोग टेरिस से जो वो युद्ध करने जा रहे हैं। भाई सब बिल्कुल उम्मा लग रहा है, बिल्कुल उम्मा। अबे चुप चुप कर। तो फिर गाइस सभी लोग मेरे बात सुन लो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जो वो टेरिस से भाई सब लड़ने के लिए जा रहे हैं, और मेरे पास यहाँ पर जो बहुत सारा औजार है, बहुत सारा बुलेट्स, बहुत सारा गन और बहुत सारा यहाँ पर आर्मर है, और तुम सभी के जैकेट में यहाँ पर जो ऑलरेडी आर्मर जो दिया हुआ है, अगर वहां पर कोई भी गोली चलाएगा तो फिर यहाँ पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि आर्मर के कारण तुम लोगों को जो गोली जो वो नहीं लगेगा। और नोबिता और यहाँ पर चॉप, तुम दोनों जब हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो फिर तुम दोनों हमेशा माइकल भैया और टेवर भैया के पीछे रहना। तो फिर गाइस आर यू रेडी? अरे हाँ फ्रैंकलिन, अरे हाँ फ्रैंकलिन, अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, भाई बिल्कुल रेडी। तो फिर चलो यार हम सभी लोग अभी चलते हैं। तो फिर याद रखना मिशन है सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही, जो कि है शिनचान को ढूंढना और टेररिस्ट को मारना, और बाकी की काम यहाँ पर हम लोग जो वो नहीं करेंगे, बाकी की काम जो पुलिस का है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो वो यह गाड़ी से हम लोग जाएंगे, और इस गाड़ी से जाके ही जो है हम लोग जो उसके पास पहुंचेंगे। तो फिर जल्दी से सभी लोग गाड़ी के अंदर आ जाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ फ्रैंकलिन। अबे भाई साहब मैं कहाँ पे बैठूं बे? अरे चो ऊपर बैठ जा। ठीक है भाई साहब। तो बस चलो हम सभी लोग जो तैयार जो हो चुके हैं, अभी हमारा जो जाने का बारी है। तो फिर गाइस एक बात याद रखना, हम होंगे कामयाब, और यहाँ पर हम सभी को जो मिल के शिनचान को जो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिनचान हम सभी का जो छोटा भाई है, और यहाँ पर टेररिस्ट को भी भाई से यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टेररिस्ट ने यहाँ पे आंख उठा के देखा भी तो देखा सिर्फ और सिर्फ लॉस सैंटोस के ऊपर, और कोई ऐसा व्यक्ति है टेररिस्ट जो कि खुद लॉस सैंटोस से ही जो बिलोंग करता है। तो फिर गाइस Let's go! पर गाइस बहुत घंटों की सफर करने के बाद हम लोग जो पहुंच ही चुके हैं यहाँ पे सैटेलाइट स्टेशन के सामने, और देखो यहाँ पे सैटेलाइट स्टेशन जो सामने है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, बिल्कुल यार, अरे हाँ फ्रैंकलिन। चलो यही पड़ी जो वो कुछ हिंट्स वगैरह कुछ जो मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हिंट्स नहीं मिला तो फिर भाई साहब शिनचान को बचाना बहुत ही ज्यादा जो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर तो इतने सारे सैटेलाइट से हम लोग कैसे ढूंढेंगे भाई साहब बंदे को कि कहाँ पर है? लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे हिंट्स कहाँ से मिलेगा? अरे 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 चलो यार ऊपर जाके देखते हैं, इस सैटेलाइट के ऊपर एक बार जाते हैं, अगर कुछ हिंट्स वगैरह मिल जाए तो भी बहुत ही ज्यादा काफी है भाई साहब। तुम लोग रुको मैं जाके देखता हूँ। अरे फ्रैंकलिन मैं भी आता हूँ। अरे ठीक है भाई साहब आ जाओ। अरे है फ्रैंकलिन। अरे यार यहाँ पर तो नहीं उठ सकता मैं। अरे यहाँ पर कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे देखता हूँ। अरे यार यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अरे गाइस ये जगह बिल्कुल खाली है। चलो टेबल। अबे यार गिर गया बे, आह खून बह गया। कोई नहीं कोई नहीं। अरे ये इसको पूछ के देखता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अरे अरे है क्या हुआ बताइए। अरे भाई साहब यहाँ पे क्या कुछ मतलब हिंट्स वगैरह मिल सकता है? अरे हिंट्स मतलब? अरे भाई साहब एक मिनट रुक के तो जाइए। अरे हाँ बताइए मैं सुन रहा हूँ। अरे यहाँ पर जो है वो कुछ हिंट्स वगैरह मतलब यहाँ पे मेरा भाई जो किडनैप हो गया है, तो फिर इसी जगह का कुछ। अरे हट भाग यहाँ से। अबे मारा तेरी तो भाई साहब, मैं तेरे को हिंट्स पूछ रहा था। गाइस यार तेरी तो भाई साहब, अभी देख भाई साहब ये भी साला मेरे दिमाग खा रहा है। टीम है माइकल और फ्रैंकलिन। चलो यार यहाँ पे कोई हिंट्स नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा तो जरूर भाई साहब यहाँ पे, नहीं तो भाई साहब अगर हिंट्स नहीं मिला तो हम लोग जाए कैसे? अरे टेबल नीचे आ। अरे चलो मैं तो आ गया। अरे ठीक है एक मिनट, ये क्या है यार? अच्छा ये तो लाइट है भाई साहब। कैसे ढूंढे? कुछ भी दिमाग में जब नहीं आ रहा है यार, अभी मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज याद आया भाई साहब। अरे इधर आओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन क्या हुआ भाई साहब? हम लोगों ने एक रॉकेट का सिंबल देखा था, और आते टाइम भी हम लोगों ने एक रॉकेट देखा उस साइड पे। तो फिर भाई साहब रॉकेट का सिंबल और वहां पे रॉकेट और ये सैटेलाइट स्पेस स्टेशन, लेकिन यार
अरे हम लोग तो गलत जगह पे आए माइकल। अरे वही जो रॉकेट हम लोगों ने देखा वही है जगह, असली जगह। अरे टेबल जगह का पता चल गया, चलो चलो। अरे माइकल सॉरी सॉरी। अरे चलो चलो आ जाओ सभी लोग आ जाओ। अरे चलो अभी जल्दी से जाना पड़ेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन आ रहा हूँ। अरे हाँ टेबल जल्दी से बैठ जा भाई। अरे हाँ फ्रैंकलिन बैठ रहा हूँ, ये नोबिता सामने बैठ गया। अरे तो फिर ठीक है गाइस, अभी हम लोग जाएंगे उस वाले जगह पे जहाँ पे हम लोग जो आए थे। तो फिर गाइस चलो, हम लोगों ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया यार। हम लोगों ने आते टाइम ही एक बहुत बड़ा सा रॉकेट देखा था और हम लोगों के पास जो सिंबल था वो भी एक रॉकेट का ही था। तो फिर गाइस हम लोगों को पता चल गया है यार सिंचन जो कहाँ पर है। अरे फ्रैंकलिन कहाँ पर रॉकेट देखा था? अरे गाइस यार वहाँ पर ही तो देखा था। अरे माइकल इसको बता यार। अरे चलो इसी जगह पे कहीं पर हम लोगों ने रॉकेट जो वो देखा था यार। ये रहा प्लेन का भंगार। और गज यही कहीं पर जो रॉकेट वगैरह हम लोगों ने देखा था, लेकिन यार यहाँ पर तो रॉकेट मुझे जो दिख नहीं रहा है। अरे यार यहाँ पे रॉकेट था, मुझे लगता है मैंने देखा था। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैंने भी देखा था। अरे यार तो फिर चलो यार। अरे यार ये कुत्ते, तू कुत्ता, अबे तेरे को नहीं बोला है। अरे बुरा देखो मैंने कहा था मैंने एक रॉकेट देखा था, ये देखो लॉस सैंटोस भाई साहब, देखो लॉस सैंटोस एयरफोर्स। मैंने कहा था गाइस देख ले यहाँ पर यही है रॉकेट। अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही कहा। अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल यार। अरे नोबिता तो फिर चले आओ तुम सभी लोग। भाई साहब मैं यहीं पर रुकूं क्या? अरे ठीक है जब तू रुक जा, तू गाड़ी का जरा रखवाला दे। और यहाँ पर देखो गाइस यही है वो रॉकेट जो कि यहाँ पर हम लोगों को ले आने के लिए भाई साहब उकसाया गया है। तो फिर गाइस यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। अरे हाँ फ्रैंकलिन आ रहा हूँ। अरे ये देखो भाई साहब दरवाजा, यहीं पर से जाना पड़ेगा हम लोगों को, देख लो। अरे हाँ फ्रैंकलिन। अबे यार तुम में से किसी ने क्या किया यार, यहाँ पर तो एक सीढ़ी आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे पैरों के नीचे कुछ यहाँ पर दबाई दिया यार। अरे ठीक है भाई साहब, लेकिन यहाँ पे अरे नोबिता हट जा हट जा हट जा। अरे यार गाइस देखो यहाँ पर तो यहाँ पर मारने के लिए लगता आया है। अरे भाई साहब यहाँ पे अचानक से भाई साहब कौन है भाग। अरे ये देखो गाइस यहाँ पर मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चलो इसको मार दिया। अरे अजीब है भाई साहब यहाँ पर देखो, यार दो ट्रक आया हम लोग को मारने के लिए। गाइस यार लेट नहीं करते हैं, तो फिर जल्दी से आ जाओ हम लोग चलते हैं यार। सभी लोग अपने अपने हथियार ले लो। अरे भाई साहब देखो यार मारना शुरू हो गया। तो फिर गाइस देखो यहाँ पे हम लोग गोली लगना शुरू हो चुका है। तो फिर अपने अपने पोजीशन ले लो, ये लो भाई साहब ये लो। अरे गाइस यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे यार तुम लोग पोजीशन ले लो यार। अरे चलो यहाँ पर लगता है एक ही आया था। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये देखो ये बंदा तो जब तक जिंदा था। अरे यार इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे यहाँ पर एक बंदा और आया था। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत, अरे वो देखो इसको मैं पैर में मारता हूँ। गाइस यार चलो मार दिया। अरे जल्दी से बताओ यहाँ पे कहाँ से जाना पड़ेगा? अरे जहाँ से तुम आए थे उसी सीढ़ी से चले जाओ, तुमको जगह जो मिल जाएगा। अरे यार यहाँ पर एक और खड़ा है बंदा। अरे गोली खत्म, अरे ये खा। अरे ठीक है जा जा। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? ठीक है तुम्हारा टाइम खत्म, ये खाओ। अरे गाइस तो फिर चलो, इन लोगों को तो मैंने मार दिया, अभी जल्दी से चलते है। अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल, तो फिर ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो फिर ठीक है एक और दो और ये तीन। गाइस यार हम लोग तो बंकर के अंदर तो भाई साहब आ गए, लेकिन तुम लोग कुछ अजीब नहीं लग रहा है यार? ये बंकर देखो कितना बढ़िया बना है। तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ और सभी लोग अपना गन्स जो हाथ पे ले लो यार। माइकल टेबर जल्दी से। अरे हाँ फ्रैंकलिन। अरे यार इससे कुछ नहीं होगा, मैं SMG ले लेता हूँ। अभी यहाँ पर SMG से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन यार इतना बड़ा, अरे एक मिनट यहाँ पे देखो यार ये जगह पे तो भाई साहब औजार और औजार है। अरे गाइस कोई नहीं, मैं एक बार देख के आता हूँ कोई है कि नहीं। अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर यार कहाँ पर जा सकता है? आओ तुम लोग मेरे साथ। अरे एक मिनट, अरे यार हम लोग CCTV के कब्जे में है यार। अरे मर गए यार। अरे ये क्या? अरे यार गाइस देखो CCTV फूट भी नहीं रहा है। अरे यार पकड़े गए गाइस। अरे फ्रैंकलिन यार अभी क्या करेंगे? अरे और क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ से भागो, हम लोगों को यहाँ पर तो देख रहा है, जल्दी से आओ। गाइस देखो यार यहाँ पर भी जो वो कोई था। अरे यार बुरे फंसे। अरे यार ये जगह देखो यार कितना ज्यादा अजीब है, बिल्कुल खुला मिला। गाइस यार मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है जगह। यहाँ पर सबके पास गन्स तो है ना, फिर गाइस यार गन्स को भाई साहब हाथ से नहीं छोड़ने का, ठीक है? अरे हाँ फ्रैंकलिन ठीक है। तो फिर ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज जो याद रखना, हम लोग जो दुश्मन की जगह पे आए हैं
और दुश्मन की जगह पे जब कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी किसी से भी भाई साहब यहाँ पर टक्कर जो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तुम सभी लोग जो याद रखना, हम लोग जो एक साथ रहेंगे, ठीक है? अरे हाँ फ्रैंकलिन, बिल्कुल। तो फिर ठीक है गाइस, तो फिर चलो। अरे ये क्या भाई सब, अरे ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या, ये जहरीला जहर कहाँ से आ गया, अरे बाप रे, अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन यार, अरे मैं तो बेहोश हो रहा हूँ फ्रैंकलिन, अरे यार मैं भी, अरे फ्रैंकलिन भैया। यहाँ पर सोचे थे कि ये लोग जो वो यहाँ पर सिंचन उस बच्चे को जो ले जाएगा और हम लोग जो भी यही बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता हम लोग भी कोई जो है वो यहाँ पर मूली नहीं खा के बैठे हैं। तो फिर चलो, इन सबको ले जाने का वक्त जो हो चुका है। चलो यार गाइस, तुम लोग भी यहाँ पर लेके आओ इन लोगों को, हम लोग अभी बॉस के पास चलते हैं। तो फिर गाइस, यहाँ पर फ्रैंकलिन, माइकल, टेबर और यहाँ पर नोबिता आया था यहाँ पर सिंचन को बचाने के लिए, लेकिन ट्रेडिस ने यहाँ पर सबके ऊपर अटैक करके इन लोगों को कर दिया है बेहोश। और यहाँ पर माइकल और फ्रैंकलिन और टेबर और यहाँ पर नोबिता का हालत हो चुका है खराब। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है, इसके बाद भी क्या यहाँ पर फ्रैंकलिन जो उठ के सर्वाइव कर पाएगा, क्या यहाँ पर फ्रैंकलिन जो बचा पाएगा हमारा सिंचन को, क्या यहाँ पर टेबर और माइकल जो मिलके और यहाँ पर नोबिता मिलके क्या यहाँ पर सिंचन को जो वो ढूंढ पाएगा, और क्या यहाँ पर ट्रेडिस्ट के लीडर को जो यहाँ पर बचा पाएगा, जानने के लिए आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री बहुत जल्द आ जाएगा। इस वीडियो का लाइक मैं रखते हुए 500 लाइक का, अगर 500 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं पार्ट थ्री भी लेकर आ जाऊंगा। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।